Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, we Sarvin. You are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. और आज आप लोग देख रहे होंगे कि माइक मेरे हाथ में है. मैंने आप लोगों को बोला था कि मतलब आप लोग कहते बहुत धीरे बात कर रही हो. मैंने आपको उसकी रीज़न भी बताई थी कि मैंने जो अपने रूम के अंदर वो सेटअप शिफ्ट कर लिया और ये अटैच रूम है और एसी वाले रूम के साथ वाला ये रूम है. वहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली इश्यूज होते हैं, ठीक है. सारे वहाँ पे सो रहे हैं. आप लोग कह रहे थे कोई गेस्ट आया नहीं, गेस्ट नहीं आया, सारे सो रहे हैं. मैं अपने रूम में हूँ. इधर एक्चुअली कूलिंग होती है तो ऊपर बहुत ज़्यादा छत वाले रूम पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि मैं वहाँ पर वीडियोज़ नहीं बना सकती. तो फिर क्या है कि मैं अपने रूम को यूज़ कर रही हूँ आजकल. तो यहाँ पर मैंने छोटा सा सेटअप अपना लगा लिया, इधर ही वीडियो वगैरह मैं बनाती हूँ. तो क्या है कि इसलिए आप लोगों को आवाज़ सही आए इसलिए मैंने माइक जो है वो अपने हाथ में पकड़ लिया. फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वीडियो, कैन अ हिंदू गेट हिज हेयर कट बाय अ मुस्लिम बार्बर इन पाकिस्तान. पाकिस्तान के अंदर जो है माइनॉरिटीज़, ठीक है, हिंदू वगैरह, क्रिश्चियंस वगैरह, काफ़ी उनके साथ चीज़ें जो है, आप लोगों को पता है कि उनके साथ काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्क्रिमिनेशन की जाती है हर हर वे में जो है. अभी एक ये भाई है, हिंदू है, और वो जो है वो हेयर कट करवाने जाते हैं एक मुस्लिम दुकान पर. तो उनके साथ फिर क्या होता है ये हम लोग वीडियो के अंदर जाके देखेंगे. ये उनका ही बनाया हुआ व्लॉग है, वो पाकिस्तानी है और एज ए पाकिस्तानी मतलब उनको अलाउ करना चाहिए, लेकिन आई डोंट नो. सब बाकी की बातें मैं वीडियो के लास्ट पे करूंगी, पहले मैं सारा व्लॉग देखूंगी. ये व्लॉग मुझे सजेस्ट हुआ था तो मैंने कहा व्हाई नॉट यार, मैं तो बनाऊंगी. बिकॉज हम माइनॉरिटीज़ के साथ जब गलत होता है तो फिर हम लोग हमें भी बुरा लगता है, क्यों, बिकॉज हम भी तो माइनॉरिटी है ना पाकिस्तान के अंदर. तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले गाइज, अगर आप लोग ने मेरे चैनल पर अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. बिकॉज पाकिस्तान से जो है वो मुझे बहुत कम सपोर्ट मिल रही है और पाकिस्तान से मुझे सपोर्ट इतनी नहीं मिल रही. और बहुत अच्छे यार इंडियन लोग हैं, काफ़ी अच्छी सपोर्ट जो है वो मुझे उनसे मिलती है. सेकंड चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, फटाफट से वहाँ पे जाइएगा. सेकंड चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, वहाँ भी जल्दी से 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाए. और अभी एक मैंने जुगाड़ लगाया, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या करती हूँ. ये मैंने लगा लिया, इसके अंदर नहीं आवाज़ आएगी. इसको जो है ना मैं सॉरी, यस, अभी इसके अंदर आवाज़ आएगी और आपको करीब से आवाज़ आएगी मेरी. तो ये मेरा जुगाड़ है, सस्ता जुगाड़. आपको पता मैं पहले भी गर्मी होती थी तो मैं ऐसे ही जुगाड़ लगाती थी, पंखा लगा के और वाटर बोतल लगा के. तो अभी मैंने जुगाड़ लगा लिया तो टाइम नहीं वेस्ट करती, वीडियो को स्टार्ट करती हूँ. अरे हिंदुओं के बाल काटे जाते हैं? क्यों सर, वजह डायरेक्ट तो नहीं, बाल कटवाने हो तो हम कहाँ जाएं फिर? यार हम मुसलमान होते हैं, ठीक है, हमारा जो काम करता है ये करवा के जाता है, बाल कटवा के जाता है, कोई जनाजे पे जाता है, कोई गोद के पे जाता है. जी जी, कोई नमाज अगर आप काट लें, फॉर एग्जांपल आप काट लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? हम औजार फेंक देंगे. औजार फेंक देंगे? हिंदू आप गिलास को छू ले तो फिर वो भी तो इंसान है. अच्छा, तो हम आ गए हैं जी हिंदू शॉप पर. तो ये देख लें जी हमारे हिंदू भाई. हेलो फ्रेंड, नमस्कार एंड जय श्री राम. तो वेलकम करता हूँ आपका एक और नए व्लॉग में. तो फ्रेंड आशा करता हूँ तुम लोग ठीक होंगे. तो फ्रेंड्स, इस व्लॉग में मैं आप लोगों को जो है वो एक मुस्लिम शॉप पर लेकर चलूँगा, मुस्लिम हजाम की शॉप पर लेकर चलूँगा, ठीक है. तो मैं उन्हें बताऊँगा कि मैंने बाल और दाढ़ी कटवानी है और मैं हिंदू होता हूँ, उनको ये बताएंगे, ठीक है. तो उनका रिएक्शन मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा कि वो आगे से किस तरह का रिएक्ट करते हैं. तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर दें ताकि इस तरह की मजीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें. तो इस वक्त मैं मौजूद हूं जी सनी पुल रहीमियार खान, पाकिस्तान में रहीमियार खान का कुछ सीन. बड़ी मार्केट है ये, यहाँ पर जो है वो ईच एंड एवरी थिंग यहाँ इस मार्केट पर आप लोगों को मिल जाएगा. तो इधर देखें जी, इस तरह की है जी लोकल सिटी पाकिस्तान की. नहीं, वो चाचा ने खरबूजे भी लगाए हुए हैं, उनसे बात करते हैं और रेट बताते हैं. अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कैसे दे रहे हो? 100 का 1.5 किलो. 100 रुपए 1.5 किलो? 100 का 1.5 किलो दे रहे हैं जी चाचा जी, जबरदस्त. तो आगे चलते हैं, जिस मकसद के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आप लोगों को इस वीडियो में दिखा दूँ जी. अच्छा, वहाँ पे सारी शॉप्स हैं बाल काटने वालों की. इस तरह से ये है जी शॉप्स पाकिस्तान की लोकल सिटीज की बात करें तो ये जो है वो मतलब कि मुर्गी वाला अड्डा. अच्छा. है जहाँ पर जो है वो मुर्गी का गोश्त
सेल होता है जी, तो उधर देख लें इस तरह से मार्केट का कुछ सीन है। ओके तो ये देख लें इरफान ड्राई क्लीनर। अच्छा उसको उर्दू भी पढ़ने आती है, बिकॉज वो पाकिस्तान में ही रहता ना। इस तरह से शॉप की कुछ ऐसी कंडीशन, ये इधर देखें ये शॉप आ गई है मुस्लिम कम्युनिटी की, ठीक है। तो इधर चलते हैं और इनसे बात करते हैं कि वो हमारे बाल काटेंगे या नहीं काटेंगे। तो ये देखें जी इस तरह से शॉप की कुछ कंडीशन है भाई लोगों की, मुस्लिम है भाई लोग। अच्छा व्लॉग बनाने वालों को सलूट है, वो जाके आराम से, यार उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो जाके बता रहा है कि मैं हिंदू हूँ बाल काटूंगा, और वो भी आगे से नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर हमें ये बताएं कि यहाँ पर हिंदुओं के बाल काटे जाते हैं? नहीं सर। क्यों सर, वजह हमने अगर बाल कटवाने हो तो हम कहाँ जाएं फिर? यार हम मुसलमान होते हैं, ठीक है, हमारा जो काम करता है ये करवा के जाता है, बाल कटवा के जाता है, कोई जनाजे पे जाता है, कोई गोद के पे जाता है जी जी, कोई नमाज पढ़ता है जी, इसलिए हम नहीं। देखे ना कि इंसान तो हिंदू भी है मुस्लिम भी है, वजह नहीं काटते, इसकी वजह ठोस तो होनी चाहिए ना। ये तो पता नहीं, ये तो पूछना चाहिए ना, हुकूमत को पूछना चाहिए। हुकूमत ने आपको मना किया? अच्छा वैसे आपको क्या लगता है? मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा यहाँ पर हमारी नमाज नहीं पढ़ते, हमारे दीन में मजहब नहीं है। अच्छा कलमा नहीं पढ़ते हमारा। अच्छा तो फिर इस वजह से आप नहीं काटते? अच्छा अगर हमें बाल फिर कटवाने हो तो हम कहाँ पर जाएं फिर? हमारा आगे हमाम बना है, उधर कटवा जाएंगे। अच्छा अगर आगे हमाम में हमारा आगे है ठीक हो गया जी। तो देख लें जी ये मुस्लिम भाइयों की शॉप है, तो कह रहे हैं कि हिंदुओं के बाल यहाँ पर नहीं काटे जाते, ठीक है। तो आगे कह रहे हैं कि हवाम है, मतलब कि बाल काटने वाले की दुकान है भाई की हिंदुओं की, तो उधर चलते हैं, उधर से जो है वो मैं अपनी दाढ़ी भी कटवाऊंगा, अपने बाल भी कटवाता हूँ, ठीक है भाई लोग। एक और शॉप पे मैं आ चुका हूँ मुसलमानों की, ठीक है। तो इधर भी जो है वो इनसे बात करते हैं कि वो हमारे बाल काटते हैं या नहीं काटते। तो ये देख लें जी इस तरह से भाई की शॉप है, ठीक है, मुस्लिम भाई की। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा तो भाई हिंदुओं के बाल काटते हो आप? नहीं। क्यों यार? अच्छा नहीं काटोगे? सीधा ही ना। वजह भाई क्यों? मुसलमानों के बाल काटते हो? अच्छा तो अगर हिंदुओं ने कटवाने हो बाल तो फिर वो कहाँ पर जाएं? इनका हमाम बना हुआ है, अलहदा से बना हुआ है। फ्रेंड्स ये देखें ये भी मुस्लिम भाई है, ठीक है। एक और मुस्लिम भाई था जिससे मैं मिलकर आया हूँ, तो वो भी यही अच्छा, कह रहा वो भाई भाई करके बात कर रहा है हिंदुओं के बाल नहीं काटे जाते, और ये भाई भी यही कह रहे हैं कि हिंदुओं के बाल यहाँ पर नहीं काटे जाते। तो यार आप बताएं हमें, हिंदू भी तो हैं तो यार इंसान, फिर हिंदुओं के बाल क्यों नहीं काटे जाते? अच्छा जो हिंदू आते हैं उनको मोड़ देते हैं अगले। अच्छा तो एज अ इंसानियत अगर सोचा जाए, ह्यूमैनिटी की बात करी जाए, तो हैं तो वो भी इंसान यार, जैसे आप हैं वैसे वही हैं। लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता यार। अच्छा नहीं लगता फिर क्या हो जाता? अगर आप काट लें, फॉर एग्जांपल आप काट लेते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? हम वो औजार फेंक देंगे। औजार फेंक देंगे? अच्छा मतलब कि इतनी नफरत करते हो आप? अच्छा अगर हिंदू आप गिलास को छू ले उसके मुंह पे गा रहा है, धो लेंगे जितना। अच्छा सही हो गया जी। तो आगे शॉप है हजाम हिंदू। तो दोस्तों आगे चलते हैं, हिंदुओं की शॉप है, वहाँ से चलकर जो है वो मैं अपनी दाढ़ी और अपने बाल कटवाता हूँ। तो ये दो शॉप थी जहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम हिंदुओं के बाल नहीं काटते। लें जी आगे चलते हैं हम, इन लोगों ने तो हमारे बाल नहीं काटे लेकिन हम हिंदुओं की शॉप पर चलते हैं, उनसे बाल कटवाते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं अपने हिंदू भाइयों की शॉप पर। देख लें जी राजेश हेयर ड्रेसर भील ब्रादर। तो इधर चलते हैं और इधर बाल कटवाते हैं, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम भाइयों ने तो हमारे बाल नहीं काटे। तो हम आ गए हैं जी हिंदू शॉप पर। तो ये देख लें जी हमारे हिंदू भाई की शॉप के कुछ कंडीशन, ये सारे देख रहे हैं, ये जो है वो हिंदू है, इनसे बात कर। राम राम सर। अच्छा और उसके लोग भी ज्यादा। ब्यारम जी। अच्छा जी राम राम सर, आपका क्या नाम है सर? पूरा। अच्छा जी सही हो गया। बाबा जी राम राम, आपका क्या नाम है बाबा? लेखू जी। लेखू जी। अच्छा जी आप सर अपना नाम बता दें। पप्पू राम। आप बता दें। रोशन। रोशन तो देख लें जी यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के लोग सारे यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो हिंदुओं के लिए स्पेशल दुकान बनाई गई है, यहाँ पर हिंदू ही बाल कटवाते हैं, यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग यहाँ पर नहीं आते। तो ये देख लें जी ये जितने
बाल कटवा रहे हैं ये हिंदू भाई हैं, और ये मैकेनिक जो लगा हुआ है मतलब कि जो हेयर ड्रेसर है ये भी हिंदू है। राम राम सर, आपका क्या नाम है? ठीक हो गया जी। तो ये हैं उस्ताद इस दुकान के। तो राम राम सर, आप अपना नाम बता दें। राजेश सर। राजेश, तो ये शॉप आपकी है सर? कब से यहाँ पर ये काम कर रहे हो? 5-6 साल। 5-6 साल हो गए। तो देख लें जी, इस तरह से है कुछ शॉप की कंडीशन। और ये शागिर्द आई थिंक काम सीख रहे हो आप, बाल की कटिंग वगैरह सीख रहे हो? तो इधर देखें जी, वो देखें कृष्णा जी और राधा जी की तस्वीर, और उधर देखें जी भोलेनाथ और माता पार्वती और गणेश जी। तो ये है जी हिंदू की शॉप। और इधर देखें जी, ये टीवी भी लगाया हुआ है कि इंडिया का चैनल चल रहा है गोल्ड माइंस, यहाँ पर मूवी लगी हुई है जी। तो यहाँ से कटवाते हैं बाल। तो फ्रेंड देख लें जी, मैंने बाल कटवा लिए फाइनली, और दाढ़ी भी यहाँ पर जो है कटवा ली है, ठीक है। तो फाइनली मैं अपने हिंदू भाई की शॉप पर आकर ये काम जो है वो मुमकिन हुआ है मेरा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नया चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि ओके, मैं कोई इनकी पब्लिसिटी नहीं कर रही इन भाई के, ठीक है, और मेरा कोई इनसे तल्लक वास्ता भी नहीं है, बट इनके मतलब वीडियो मुझे आई। आप लोग अगर आप लोगों ने देख लिया इनकी वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना मैं इनकी वीडियो का लिंक भी दूंगी, आप लोग ज़रूर इनको सपोर्ट कीजिएगा, इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। और जिस तरह से इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना इस टाइम, तो इनको वाकई आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, और इस तरह नहीं होना चाहिए। और मोस्टली हम माइनॉरिटीज़ को जो है वो ये चीज़ बहुत टाइम फेस करनी पड़ती है, और आई डोंट नो कि ये बस पाकिस्तान के अंदर या और नहीं। मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इंडिया के अंदर जो है वो ये सारी चीज़ें होती हैं क्या, मतलब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस ये वो, वहाँ आई थिंक सो इतनी चीज़ें ये देखने को नहीं मिलती होंगी जितनी कि ये चीज़ें पाकिस्तान में देखने को मिलती हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो आप लोग कहते हैं कि क्रिकेटर आ जाएं, ठीक है, विराट कोहली आ जाए, रोहित शर्मा आ जाए, और फिर ऐसा बिहेवियर, ठीक है, वो भी तो हिंदू है ना, फिर उनके साथ ऐसा बिहेवियर आप लोग करोगे, आप लोग क्या करोगे कि अगर वो पानी मांगेंगे बाल कटवाएंगे फिर उनको कहोगे नहीं आप अपनी शॉप पे जाओ हम नहीं करेंगे? बहुत अच्छा कर रहे हैं कि वो इधर नहीं आ रहे, बिकॉज अगर आएंगे भी तो आप लोगों का बिहेवियर कैसा होगा। और मेजर गौरव आर्या की बात आज मुझे याद आ रही है कि वाकई पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। तो गाइज़ आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी डू कमेंट, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना तुम लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। ओके गाइज़, तो बाय बाय।